अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आस्तीन, पैंचे और दामन के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूं। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक राउंड कटवर्क और एक आपको चाहिए होगा ट्राइंगल कटवर्क, ठीक है। और अब इसे हमें गत्ते पर किस तरीके से कट करना है, तो उसके लिए आपको एक गत्ता चाहिए होगा, ठीक है। अब आपको जिस भी साइज़ का कटवर्क बनाना है उसी साइज़ का आपको गत्ता लेना होगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे 1.5 इंच का कटवर्क बनाना है, तो उसके लिए आपको 1.5 इंच चौड़ा और 1.25 इंच लंबा एक गत्ते का पीस लेना होगा। और उस पर आपने इस तरीके से सबसे पहले राउंड कटवर्क बनाना है। हाफ सर्कल जिस तरीके से बनता है ना, इस तरीके से आपने इसे कट करना है। और अब एक ट्रायंगल बनाना है, तो उसके लिए भी आपको गत्ते का साइज़ सेम चाहिए होगा। लंबाई और चौड़ाई जितनी आपने राउंड वाले कटवर्क के लिए है ना, उतना ही आपको इसके लिए भी चाहिए होगा, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे गत्ते को, और ये देखें ऐसे हमने तिरछा इसे निशान लगाना है। और यहाँ से हम कट कर लेंगे तो ये एक ट्रायंगल कटवर्क बन जाएगा। तो अब इसके मुताबिक हमने मार्किंग करनी है, तो उसके लिए आपको बुकरम चाहिए होगा। तो बुकरम तो आप उतना ही चौड़ा लेंगे जितना कि आपका आस्तीन, दामन या पैंचा है, ठीक है। और इसकी जो यहाँ पे मैंने लंबाई रखी है ना, वो तकरीबन जितना भी हमारा ये डिज़ाइन होगा ना, ट्रायंगल कटवर्क होगा, उससे हमने तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। ऊपर भी 1/2 इंच छोड़ेंगे और नीचे से भी बुकरम पर 1/2 इंच छोड़ते हुए हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे, ठीक है। लाइंस लगा लेंगे और उसके बाद हमने इस कटवर्क को रखते हुए मार्किंग करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा बुकरम साइड से छोड़ते हुए पहले आपको जो भी कटवर्क रखना है वो रखते जाएंगे, एक ट्रायंगल और एक हाफ सर्कल, ठीक है। इस तरीके से रखते जाएंगे और बुकरम पर हम मार्किंग दरमियान में करते जाएंगे। तो यहाँ पे सभी मार्किंग मैं कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद बिल्कुल मार्किंग के मुताबिक ही हम बुकरम की कटिंग कर देंगे, ठीक है। ये देखें इस तरीके से मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे मार्किंग के मुताबिक ही बुकरम की कटिंग कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, एक जो मैंने यहाँ पे बनाया है लास्ट में राउंड कटवर्क, इसकी मैं अभी कटिंग कर दूंगी, क्योंकि ये लंबाई में जो बुकरम है ना मेरे पास, वो एक्स्ट्रा ही था, ठीक है। मेरे दोनों साइड पर जो है वो ट्रायंगल आएंगे, तो आपने भी इसी तरीके से मार्किंग करनी है कि आपके दोनों साइड पर डिज़ाइन जो है एक जैसा ही आए। अगर स्टार्ट में आपके हाफ सर्कल कटवर्क है तो आपका लास्ट में भी वही आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा जो था कटवर्क उसकी कटिंग कर दी है, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन कटिंग हो गया है। नेक्स्ट किसी वीडियो में इसी डिज़ाइन से दामन, आस्तीन या पैंचे का डिज़ाइन बनाने का तरीका बताऊँगी, साथ हम मोती लगाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।